हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पीसी नोट चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हेलो गाइस, आज हम विज्ञान के उपकरण और उनके कार्य पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, आप इसको कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला विज्ञान का उपकरण है दोस्तों बेरोमीटर, इसका कार्य है वायुमंडलीय दाब को मापने में। ओके, सेकंड है स्टेथोस्कोप, इसका कार्य हृदय और फेफड़े की गति को सुनने में। ओके, तीसरा कार्डियोग्राम, इसका कार्य है हृदय की गति को जांचने में। ओके, चौथा हाइड्रोमीटर, इसका कार्य दोस्तों द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने में। पांचवा है मैनोमीटर, इसका कार्य है पौधों की जड़ों की दाब मापने में। ओके, छठा है रेन गेज, यह वर्षा का मापक है, मतलब इसका बरसात का भाई कितना पानी गिरा है। ओके, सातवां रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता को मापने में इसका कार्य होता है। आठवां लैक्टोमीटर, इसमें दूध की शुद्धता को मापने में काम में लिया जाता है। नवा फेदोमीटर, यह समुद्र की गहराई को मापने में काम में लिया जाता है। ओके, दसवा दोस्तों एनीमीटर, यह हवा की शक्ति तथा गति को मापने में काम में लिया जाता है। ग्यारहवा दोस्तों हाइग्रोमीटर, इसका कार्य है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने में काम में लिया जाता है इसको। ओके, बारहवा सिस्टोग्राफ, यह भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप को मापने में इसका काम होता है। ओके, तेरहवा सेक्सटेंट, इसका कार्य दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने में। चौदहवा एमीटर, इसका कार्य विद्युत धारा की माप। पंद्रहवा ओडोमीटर, इसका कार्य होता है दोस्तों पहिए द्वारा तय की गई दूरी, जैसे हमारे मोटरसाइकिल या कार के अंदर ये मीटर आता है। सोलहवा केस्कोग्राफ, इसका कार्य दोस्तों पौधों की वृद्धि को मापने में। सत्रहवा है टैकोमीटर, इसका कार्य दोस्तों वायुयान की गति मापने में। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। धन्यवाद। Everything is better now for you and me and all around.